अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से आप पेयोनियर अकाउंट के सिक्योरिटी क्वेश्चन जो हैं वो फॉरगेट कर सकते हैं। हम पेयोनियर अकाउंट को साइन इन कर लेते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो फॉरगेट करेंगे, रीसेट करेंगे। सिंपल सा, यहाँ पर हम जो है अपने अकाउंट वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर लोडिंग के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन शो होता है और एक सेटिंग का ऑप्शन शो होता है। आप लोगों ने सिंपल सा सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फिर एक नया इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्विक साइन इन का और सिक्योरिटी सेटिंग का ऑप्शन शो होता है। तो सिंपल सा सिक्योरिटी जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। सिंपल सा जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सिक्योरिटी क्वेश्चन और पासवर्ड रिसेट करने के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो दूसरे नंबर पे मौजूद है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सिंपल सा जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने थोड़ी देर लोडिंग के बाद एक नया पॉपअप शो होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन फॉरगॉट योर आंसर, क्लिक चेंज टू रिसेट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो सिंपल सा हम चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा जैसे चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं। और सिक्योरिटी क्वेश्चन हमेशा जो भी आप लगाते हैं वो कहीं पे नोटबुक पे आपको लिख लेने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हो या पासवर्ड भी याद होता है तो फिर भी पेयोनियर वाले जो हैं बोलते हैं कि आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाए थे वो यहाँ पर टाइप करें, तब आपको एक्सेस मिलेगी अपने अकाउंट की। और अगर वो आप लोगों को याद नहीं होते सिक्योरिटी क्वेश्चन तो फिर लाइव चैट के जरिए आप लोगों को रिसेट करवाना पड़ते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ कि सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर जो ऐड करूँगा इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ ताकि बाद में मुझे जो है इसे नोटबुक पे लिखना है। और जो फर्स्ट है सिक्योरिटी क्वेश्चन, विच हाई स्कूल डिड यू अटेंडेंस, तो मैं अपने हाई स्कूल का नेम जो है वो पुट कर लेता हूँ। फाइनली इसके अंदर जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर थे वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिए हैं। अब सिंपल से हम चेंज पे क्लिक करते हैं और चेंज करके आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे ही हमने चेंज पे क्लिक किया तो हमारे नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी हमने यहाँ पर पुट करना है, तो उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएंगे। तो अभी तक हमें जो कोड है वो रिसीव नहीं हुआ, जैसे रिसीव होता है तो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। फाइनली हमें कोड जो है वो रिसीव हो चुका है। यहाँ पर हम कोड को पुट करते हैं 004840 और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेव्ड हो चुके हैं। इसी तरह से अगर और भी आप अपने अकाउंट की सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं पेयोनियर की, ट्रस्टेड बेनिफिशियरी जैसे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ करना, पासवर्ड चेंज करना, प्रोफाइल की सेटिंग करना, ईमेल वगैरह चेंज करना, यूज़र नेम चेंज करना, कस्टमर आईडी चेंज करना, तो तमाम ऑप्शन यहीं पर सेटिंग के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।